आप क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, ये पेपर समर 20 और वेरिएंट वन। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड ज्वेलरी इन विच द 3 ईज आर टुगेदर एंड द 2 एल्स आर टुगेदर। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड ज्वेलरी इन विच The two L's are not next to each other. जनाब, अब वैसे अगर ज्वेलरी में हम वर्ड्स काउंट करें तो 9 लेटर्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ भी है। तो जनाब 9 लेटर्स की जो अरेंजमेंट है वो तो आएगी 9 फैक्टोरियल, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कौन कितना रिपीट है। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि भाई एक J है, 3 E's हैं, 1 W है, 2 L है, 1 R है और 1 Y। तो वो ये कह रहे हैं कि 3 E टुगेदर हैं और 2 L टुगेदर हैं, जो बाकी अदर रह गए हैं वो टुगेदर या अलग, उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं दी। तो 3 E जो टुगेदर हैं तो इनकी अपनी अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, जो 2 L टुगेदर हैं उनकी अपनी अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, और 4 अदर है। तो बेटा 3 इंग्लिश को हम सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, जो 2 L हैं उनको हम सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, और जो 4 अदर हैं वो तो 4 अदर हैं। तो इस तरह मिलाकर बन जाएंगे 6 एलिमेंट्स। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि रिपीटेशन है तो जितनी रिपीटेशन है वो हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2 L's नॉट टुगेदर, तो ये अभी हमने इस तरीके का सवाल किया था ऑलरेडी कि टोटल में से हम माइनस कर देंगे 2 L's टुगेदर, तो हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। तो टोटल का आंसर 9 फैक्टोरियल, रिपीटेशन डिवाइड होगी, और 2 L's को साथ रखेंगे तो बाकी 7 बचेंगे अदर्स, तो ये बन जाएंगे जनाब 8 एलिमेंट्स, क्योंकि 2 L's जो हैं वो सिंगल एलिमेंट कंसिडर होंगे। तो ये बन जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऑल्दो कैंसिल होगा लेकिन हमें लिखना जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो। जनाब इस तरीके से ये सवाल हमारा सॉल्व होगा।